हकीकत और मोहब्बत बैटरी बैटरी हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे थे। इसी दौरान अजीज पाकिस्तान के मारूफ हरदी अजीज साहब का जनाब मोहतरम अलहाज रिजवान कादरी साहब और बिलखसूस आज की महफिल के नकीब महफिल खास नकीब महफिल जनाब मोहतरम सैयद बादशाह जनाब सैयद उमेर शाह साहब और भाई सैयद हाफिज शायान आशमी साहब हमारे सुपरवर महफिल मुकद्दी साहब जलवा गर हुए तशरीफ फरमा हुए मजल की अता गहराइयों के साथ तमाम मौजूद मेहमानान इकरामी दिल की अता गहराइयों के साथ खुशामदीद कहता हूं। अली राजा मोहतरम मौसम हर चीज का मौसम होता है, हर चीज का मौसम होता है और ये महीना मौसम है बगदाद शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार अक़दस में कसरत के साथ सलावात रसूल और उस शख़्साने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर किया करते हैं। नसीब लोगों में जनाबे बहुत बहुत सैयद बादशाह उमेर शाह साहब भी हैं और हमारे रिजवान भाई भी हैं जिन्होंने इस साल हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अकीदतों और मोहब्बतों का खैराज हाजिरी की नियत से पेश किया है और मौला ए कायनात और हुजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में भी हाजिरी दी है। अज़ीज़ाने किरामी कल में इस मोहब्बत के खुलूस के साथ जनाब मोहतरम मोहतशम आज के महफिल के खास नसीब महफिल जनाब सैयद उमेर शाह साहब को दावत देना चाहता हूँ। सादात ने हुसैन की औलाद में से है, हम तो गुलाम में फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है, अगर है तो सादात की गुलामी है और सादात की गुलामी में भी फिर निकलते हैं। जो फख्र करता है वो दोनों हाथों को करके कह दे सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को अंदर अंदर आवाज कर के दे सुभान अल्लाह। सादात के साथ मौजूद है मौला ए कायनात के फरफंद के अंजुमन की बारगाह में जा रहा हूं, मौला हुसैन की बारगाह में जा रहा हूं और अल्लामा साहिब चिश्ती कहते हैं कि दस्ते बला बरस का जीना बना दिया, दस्ते बला बरस का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, अजब के हर गहरे को नगीना बना दिया, तुमने हुए मरने को जीना बना दिया। तिलावत हुसैन की कुरान पढ़ रहा है, तिलावत हुसैन की भाई आप बड़े बड़े सभी बने होंगे, बड़े बड़े सभी नहीं होंगे, जाओ राम आओ घर घर देते हैं, दौलत मांगो दौलत दे देते हैं, दुनिया की जो चीज मांगो वो दे देते हैं, लेकिन मैंने दुनिया में अपने हुसैन बादशाह जैसा सखी नहीं देखा, मैंने हुसैन बादशाह जैसा सखी नहीं देखा कि यजीद ने सर मांगा मेरे हुसैन ने सर दे दिया। हुसैन ने घर की सहाबत को जरा दे, हुसैन ने घर की सहाबत को जरा दे, मांगा सर यजीद ने तो वो भी खाली न खाली न खाली, मांगा सर यजीद ने तो वो भी खाली न गया, खुदा का खौफ नहीं यजीद को डर हुसैन का है, खुदा का खौफ नहीं यजीद को डर हुसैन का है, खुदा का खौफ नहीं यजीद को डर हुसैन का है, सर हुसैन और आखिरी शेर और माइक भाई ये आखिरी शेर कि हर शख्स ये चाहता है कि नमाज पढूं और नमाज पढ़ के अल्लाह मुझे बख्श दे नमाज से बचा ले, हर शख्स यही चाहता है नमाज पढ़ता है बंदा तो वली बन जाता है, तो बनता है अब्बास बनता है, यानी नमाज से बचता है कि हजारों सर है जिन्हें बचाती है नमाजें। माइक भाई तुम्हें याद है शिकायत और अपनी अकीदतों मोहब्बतों का इजहार वाला दरबार